बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी नामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के नामी हनुमान पांडे को लखनऊ के सरोजनी नगर में एक एनकाउंटर में मारने में कामयाबी हासिल की। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। मऊ के कोपागंज का रहने वाला राकेश पांडे पर कई सनसनीखेज वारदात में शामिल होने का आरोप है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये जो मुठभेड़ हुई है और क्या जानकारी इस पूरी मुठभेड़ के बारे में? देखिए, बिल्कुल फरा, ये बड़ा अपराधी था और कृष्णानंद राय हत्याकांड जो 2000 के आसपास हुआ था, सबसे जो बीजेपी के विधायक थे उनकी हत्या में शामिल था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग का एक काफी करीबी था। 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था। राकेश पांडे मऊ का रहने वाला था। आज सुबह ये मुठभेड़ हुई है कोपागंज के पास, जहां पर मऊ के कोपागंज का रहने वाला था, लेकिन आज सुबह एसटीएफ को ये पता लगा कि यहां पर मौजूद है, उसे घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वो भागने लगा। इनोवा कार में 5 बदमाश सवार थे, जो कि पीछा करने पर ये कार पेड़ से टकरा गई। एसटीएफ पर इन्होंने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो 1 लाख का इनामी बदमाश था हनुमान पांडे और राकेश पांडे, वो मारा गया, बल्कि जो 4 बदमाश थे वो भागने में सफल रहे। तो अभी भी पुलिस की जो दबिश है, एसएसपी एसटीएफ सुधीर सिंह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अभी भी उन 4 बदमाशों की तलाश चल रही है। बाकी जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य बदमाश था, उसे मार गिराएगा। और एक बड़ी कामयाबी यूपीएसटीएफ को मिला, क्योंकि हनुमान पांडे पूर्वांचल में काफी आतंक का पर्याय था और मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर कई सारी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, और मुख्तार अंसारी गैंग का काफी सक्रिय शूटर था और बड़ा अपराधी था। फरा, यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई, तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है, और इस पर 25,000 के 2 स्थानों से इस पर इनाम बताए गए हैं। बाकी इसका तस्दीक किया जा रहा है। हॉस्पिटल ले जाने पर इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया।